पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बढ़ते आगे, मेरठ में एक युवक को उसकी प्रेमिका के परिजनों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामला थाना किठौर इलाके के कायस्थ बड्ढा गांव का है। बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाले एक युवक का युवती के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर पहले भी कई बार युवती के घर वालों से कहा सुनी हो चुकी थी, लेकिन मामला खत्म होने की बजाय बढ़ता चला गया। आरोप है कि इसी प्रेम प्रसंग के विवाद में युवती के परिजनों ने लाठी डंडों से खूब वार किए, जिसमें युवक की मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दो लोगों को हिरासत में लिया है। बुरा मामला जी है, मेरे बच्चे को अदालत ने खत्म कर दिया। अदालत की इन्होंने पहले तो मेरा लड़का हिला लिया अपने घर, फिर उसे हिला लिया जब तो उनकी लड़की और लड़के की बात की थी। खराब बात होगी उनकी, इस बात ये बात पर मार दिया। आज दिनांक 12/9/2020 को आने पर सूचना प्राप्त हुई कि इशाक ने बताया कि मेरे बेटे इशार को गांव के ही चार लोगों ने, जिसमें अदालत, रईस, शौकीन और अयूब ने, उसके साथ एक दो लोग और थे जिनका नाम वो नहीं जानता, ने डंडे से उसकी पिटाई की, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उन्होंने ये बताया कि कुछ दिन पहले बुग्गी खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके संबंध में आपस में बातचीत हो गई थी, लेकिन उसको लेकर ये लोग उनके मन में संशय था, जिसकी वजह से इन्होंने उसकी आज पिटाई कर दी, जिसकी पिटाई से उसकी मृत्यु हुई। 307 में मुकदमा दर्ज था, मृत्यु होने के बाद दफा 302 में तर्जीन कर दिया गया। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।